हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में लेपर्ड और ग्रेवुल्फ के बीच हुई लड़ाई में जीत किसकी होने वाली है यह बताने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो से बहुत सी बातें जानने को मिल जाएगी। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके साइज और हैबिटेट के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि लेपर्ड लंबाई में करीब 0.9 मीटर से लेकर 1.9 मीटर तक हो सकते हैं और इनकी शोल्डर तक की हाइट 0.7 मीटर तक हो सकती है और इनका एवरेज वेट 40 किलो से लेकर 90 किलो तक हो सकता है और यह आपको ज़्यादातर अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, इंडिया और चाइना में देखने को मिल जाएंगे। वहीं ग्रेवुल्फ की बात करें तो ग्रेवुल्फ की लंबाई करीब 1 मीटर से लेकर 1.8 मीटर तक हो सकती है और इनकी शोल्डर तक की हाइट 0.8 मीटर तक हो सकती है और इनका एवरेज वेट 30 किलो से लेकर 80 किलो तक हो सकता है। वहीं आपको ज़्यादातर यूरोप, एशिया, अलास्का, कनाडा और नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिल जाएंगे। तो अब हम इनके वेपन्स और स्ट्रेंथ के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि लेपर्ड के पास बाकी सारी बड़ी बिल्लियों की तरह ताकतवर और मजबूत पंजों के साथ साथ लंबे से कैनाइन टीथ भी मौजूद है और यह इन्हीं के मदद से ही अपने शिकार को अंजाम देते हैं। वही ग्रेवुल्फ के पास 3 सेंटीमीटर से लेकर 5 सेंटीमीटर तक लंबे कैनाइन टीथ मौजूद होते हैं, मगर इनके पास लेपर्ड की तरह ताकतवर और मजबूत पंजे नहीं होते हैं। यह सिर्फ अपने शिकार पर अपने दांतों की मदद से ही हमला करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन दोनों के पास अलग अलग स्ट्रेंथ भी मौजूद है। जैसे कि लेपर्ड पेड़ पर चलना काफ़ी अच्छे से जानते हैं, वही ग्रेवुल्फ अपने शिकार का पीछा मिलों तक बिना रुके कर सकता है। अब अटैक। दोस्तों आपको इतना तो पता ही है कि लेपर्ड बिल्ली की प्रजाति से बिलोंग करता है, वही ग्रेवुल्फ डॉग की प्रजाति से, इसलिए इन दोनों का शिकार करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जैसे कि लेपर्ड अपने शिकार के गर्दन पर हमला करता है, वही ग्रेवुल्फ पहले अपने शिकार को थका कर बाद में उनके पैरों पर हमला करता है ताकि वह भाग ना पाए, फिर बाद में एक साथ झुंड में मिलकर उसका सफाया कर देते हैं। वही लेपर्ड भी अपने स्ट्रेंथ के बलबूते पर अक्सर शिकार करते हुए देखा गया है। जैसे कि यह पेड़ के ऊपर से ही कूदकर हिरन, बंदर जैसे जानवरों का शिकार कर लेते हैं और यह तब उस जानवर को 310 PSI बाइट फोर्स तक काट सकते हैं। वही ग्रेवुल्फ अपने शिकार को 400 PSI से लेकर 500 PSI बाइट फोर्स तक काट सकते हैं और साथ ही यह अपने शिकार का मीलों तक पीछा करते वक्त 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। वही लेपर्ड भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग सकते हैं। अब फाइट। दोस्तों यह दोनों ही आपको एशिया में देखने को मिल जाएंगे, जिसके कारण इनका कभी ना कभी आमना सामना होता होगा, मगर लेपर्ड झुंड में न रहकर ज़्यादातर अकेला ही रहता है। वही ग्रेवुल्फ झुंड में रहते हैं, जिसे हम पैक कहते हैं, इसलिए उस वक्त लेपर्ड की हार होगी क्योंकि वह अकेला है। मगर हम वन वर्सेस वन बैटल की बात करें तो लेपर्ड के पास बहुत सी खूबियाँ मौजूद है जिससे यह ग्रेवुल्फ को आसानी से हरा सकता है। जैसे कि लेपर्ड के पास मसल मास, स्ट्रेंथ, शिकार करने का एक्सपीरियंस ग्रेवुल्फ से ज़्यादा है और साथ ही यह एजिलिटी के मामले में भी एक स्टेप आगे है, इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि लेपर्ड आसानी से एक ग्रेवुल्फ को हरा सकता है। तो इस पर आपका क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है, हरा सकता है या नहीं, वह आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आपको हरा सकता है ऐसा लगता है तो आप यह भी बताएगा कि कितने ग्रेवुल्फ मिलकर एक लेपर्ड को हरा सकते हैं। और आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद है तो स्क्रीन पर दिखाए गए किसी भी वीडियोस पर क्लिक करके देख सकते हो। और साथ ही साथ आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।